आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स में जनरली कौन कौन से आर्टिकल्स होते हैं आपकी? ए एंड द। सिंगुलर नाउन और कॉन्सोनेंट साउंड होगा जगह पर, सिंगुलर नाउन के पहले जो हम लगाएंगे सिंगुलर के लिए, और उसका साउंड कैसा होता है होना चाहिए? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट जो हमारे हिंदी के कॉन्सोनेंट होते हैं। हिंदी में हमारे वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू। इंग्लिश के हैं, इंग्लिश के हैं हमारे वॉवेल्स ए ई आई। वॉवेल साउंड और सिंगुलर नाउन अगर होगा तो हम उसमें किसका प्रयोग करेंगे? ये दिख रहा है आपको लिखा हुआ एन। एन का प्रयोग कहाँ करेंगे? सिंगुलर नाउन और वॉवेल साउंड। जैसे हम कह रहे हैं ऑरेंज, ऑरेंज के पहले ओ भी है और उसका हिंदी में भी साउंड क्या आ रहा है? और, तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे? एन का, ठीक है। और अगर हम कहते हैं यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में यू क्या है? वॉवेल। और हिंदी में है क्या वॉवेल? य है क्या? नहीं है। तो उसका साउंड कौन सा हो गया? भले वो वॉवेल से शुरू हो रहा था लेकिन साउंड उसका क्या हो गया? कॉन्सोनेंट। तो अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे? तो ध्यान रखना है न सिर्फ ए ई आई ओ यू देखना है आपको इंग्लिश के, बल्कि आपको ये भी देखना है कि उसका साउंड हिंदी में अगर वॉवेल है तभी वो एन आएगा और अगर नहीं है तो कॉन्सोनेंट आएगा। तीसरी बात करते हैं हम द। द लिखा हुआ दिख रहा है ये द। द का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? आर नाउंस स्पेसिफिक और यूनिक। जब स्पेसिफिक हो, जो चीजें दुनिया में एक है या कुछ विशेष है उनके लिए हम प्रयोग करेंगे, उनके आगे हम किसका प्रयोग करेंगे? द। इसमें आ जाती हैं हमारी सारी दिशाएं, है ना, ईस्ट नॉर्थ वेस्ट ये सब भी आ जाएंगी, और जितने भी हमारे स्टार्स हैं या सन मून अर्थ इन सब के लिए भी हम द का यूज करेंगे। जो न्यूज़पेपर होते हैं उनके लिए, जितनी हमारी रिवर्स हैं, जितने हमारे माउंटेन्स हैं और जितनी सुपरलेटिव डिग्रीज भी होती हैं उनके लिए भी द का यूज करते हैं। अब मैं चाहती हूँ एक एक करके बच्चे आए और कोई सा भी इसमें से उठाएं और उसको लगाएं कि ये वाली जो बटरफ्लाई है वो किस पर जमकर बैठी। जल्दी से आए पहले दस चाहिए। लगाओ इसको, क्या लिखा है पहले बताओ। ईस्ट कहाँ जाएगा? लगाओ, लगा दो किसी पे भी। किस फ्लावर पे जाएगी ये ईस्ट? एन पे बता रही, सही है क्या? थर्ड वाले पे, द पे, द पे। सारी दिशाएं यहाँ पे भी लगाओ बटरफ्लाई। ये ईस्ट। अब ये आप आइए, क्या लिखा है पहले देखिए। वन, वन कहाँ जाएगा? अ। वन अ, क्योंकि व हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है, भले ओ ठीक है। चलिए आगे जल्दी से आइए, आप आगे जाइए। क्या लिखा हुआ है? ओली, क्या आएगा? आप आइए किसे आइए। ओ, क्या लिखा है? ओल्ड। कहाँ जाएगा? चलिए आप आए। क्या है लिखा हुआ? आप आओ उसके पीछे। बुक, बुक कहाँ जाएगा? बुक कहाँ जाएगा? किस पर बैठी? द क्यों? वो स्पेसिफिक बुक है। जब हम ये कहते हैं कि वो वाली बुक जो मैंने तुमको दी थी तब वो स्पेसिफिक होगी, और बाकी तो कोई सी भी बुक यहाँ पड़ी हुई है वो पड़ी हुई है सब बुक क्या है? अ। टीचर कहाँ चले आप। एक्सीडेंट, एक्सीडेंट कहाँ जाएगा? एन। चल आए पीछे।
क्या लिखा हुआ है? सन कहाँ आएगा? सन ए पे आएगा? नहीं, द पे आएगा। स्पेसिफिक है, ये है क्या लिखा है? ऑनेस्ट। किस पे जाएगा? एन पे, क्योंकि एच दिख रहा है वो, लेकिन उसका साउंड क्या है? ऑनेस्ट। आगे क्या है? यूरोपियन। क्या आएगा? पढ़ रहे हैं ना हम उसको। चलिए आगे आए, जल्दी जल्दी चलिए। अरे चलो पीछे से। इंजीनियर कहाँ आएगा? आप बताओ क्यों आएगा इंजीनियर? बहुत सारे होते हैं इंजीनियर। लेटर क्या है पहला? ई। और बोल क्या रहेंगे? एन। दोनों ही वॉवेल है तो क्या आएगा? ई। ओके चले आए। टालेस कहाँ जाएगा भाई? टालेस ए। सुपरलेटिव डिग्री है द। ये है एब्रीवेशन। जब कभी भी एब्रीवेशन होता है ना, जो आप बड़े नाम को संक्षिप्त रूप में लिखते हैं, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? एब्रीवेशन। एब्रीवेशन है MLA, है ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव। तो MLA यूज किया है। तो जब भी कभी हम एब्रीवेशन यूज करते हैं तो उसके पहले किसका यूज करते हैं? ए का, एन का या द का? ये आपके 9th-10th में निश्चित रूप से किसका यूज करते हैं? एब्रीवेशन के पहले हमेशा एन। चलिए जाओ बच्चे। ये क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है? अब ये क्या है? गंगा। गंगा किसका नाम है? नदी का, रिवर का। गंगा कहाँ आएगा? चले आए जल्दी से। साक्षी। चलो साक्षी। ठीक लगा रही है? ठीक है, सभी ने सही लगाया? समझ में आ गया आपको?